नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल सिक्का और हमारे चैनल आरएस कंसल्टिंग पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको सेक्टर 142 में आंसल कॉर्पोरेट पार्क में ऑफिस दिखाने जा रहा हूँ। ये सेक्टर 142 में इस वक्त हम खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं, सामने सर्व स्पेसिस की बिल्डिंग है, इस साइड आपका आंसल कॉर्पोरेट पार्क है, मेरे बिल्कुल सामने न्यूक्लियस है। आप पीछे अगर न्यूक्लियस देखें, ये कोवर्किंग स्पेस है, न्यूक्लियस के बराबर में फिर स्टेलर का आईटी पार्क है। तो सेक्टर 142 नोएडा एक्सप्रेसवे का पूरा आईटी आईटीएस एरिया है, ये आईटी आईटीएस हब है। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं। कैंपस के अंदर इस वक्त हम एंटर कर चुके हैं आंसल कॉर्पोरेट पार्क। इसके अंदर दो टावर्स हैं, दोनों टावर में लोकेबल ऑफिस स्पेस है। ये आपका टावर A1 है, इसके साथ वाला टावर A2 है, वो टावर भी अभी हम आपको दिखाएंगे वीडियो में। इस कैंपस के अंदर फ्रेंड्स जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ 7 रुपये पर स्क्वायर फिट है। आपने सही सुना, 7 रुपये पर स्क्वायर फिट। अगर 1000 स्क्वायर फिट का आप इस कैंपस के अंदर ऑफिस लेते हैं तो मात्र 7000 रुपये महीना आपको पे करना है। AC इसके अंदर आपको अपना लगाना है, काफ़ी सारे यूनिट्स में इसमें AC ऑलरेडी लगा हुआ है, तो AC का बिल आप पे कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कीजिए, और सिर्फ 7 रुपये मेंटेनेंस है। इसका एक ये USP है। दूसरा USP है कि 142 का मेट्रो स्टेशन इसके बिल्कुल 500 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आपके एम्प्लॉयज़ आएंगे, उनका कम्यूट यहाँ से बहुत ईजी है। तीसरा, अगर मैं आपको एक और USP बताऊँ, यहाँ पर अभी जो ऑक्यूपेंसी है वो 50-60% ही है सिर्फ। तो 1000 स्क्वायर फिट के ऑफिस के साथ अगर आपके पास 5 गाड़ियाँ हैं, 6 गाड़ियाँ हैं, तो पार्किंग इसमें जो बेसमेंट में है अभी वो काफ़ी स्पेस अवेलेबल है, तो आप उसमें वो खड़ी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा मैं नेगेटिव पॉइंट में बात करूँ कैंपस की, कुछ इसके जो कॉन्स की बात करूँ, तो इसमें अभी जो आपका सिक्योरिटी है वो इतनी नहीं है, चेकिंग वगैरह कम ही होती है गेट पे। तो इस टाइप का अगर आपको सस्ता ऑफिस देख रहे हैं, आपके कस्टमर ऑफिस में कम आते हैं, आपका सिर्फ ऑफिस में आपका ही मीटिंग्स कम होती हैं, तो आपके लिए फिर ये स्पेस, ये कैंपस सुटेबल है। इस वक्त हम आंसल कॉर्पोरेट पार्क की लॉबी में एंटर कर चुके हैं और मैं आपको एक 1500 स्क्वायर फीट का बहुत ही शानदार फुली फर्निश्ड लैविश ऑफिस अभी दिखाने जा रहा हूँ। अब हमने जस्ट ऑफिस में एंटर किया, ये आपका रिसेप्शन टेबल है, ऑफिस की एंट्री है, मीटिंग एरिया इन्होंने बना रखा है यहाँ पर। ये ऑफिस के अंदर चलते हैं, वर्क स्टेशन वाले एरिया की तरफ चलते हैं। ये आपके बिल बोर्ड्स यहाँ पे फॉर नोटिसेस वो सारी चीज़ों के लिए लगे हुए हैं, और टोटल अगर आप इसमें देखें तो 18 वर्क स्टेशंस हैं सारे मिला के। कुछ इसमें ओपन वर्क स्टेशंस हैं, दीज आर ओपन वर्क स्टेशन, कुछ अंदर फिर इनक्लोज वर्क स्टेशंस। एक ये वाला एरिया भी आप वर्क स्टेशन की तरह यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे ये वाले जो वर्क स्टेशंस हैं इसमें आप टीम को बिठा सकते हैं, अगर आपका बजट कम है, टीम साइज़ आपका ज़्यादा है, तो ये वाला एरिया आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अगर व्यू की बात करूँ तो ये सामने आपका सेक्टर 137 है, बहुत ही शानदार व्यू आएगा, 4-5 घंटे की आप सनलाइट भी इसमें इंजॉय करेंगे। तो ये इस ऑफिस की वेट पेंट्री है, जैसे आप देख पा रहे हैं, इसका जो वेट पॉइंट है, जो वॉश बेसिन है, सिंक है, वो बिल्कुल बाहर दिया हुआ है सेपरेट, एक बालकनी बाहर दी हुई है, जिससे कि एक थोड़ा सा क्लीनिंग अच्छी रहती है। आप इनक्लोज वर्क स्टेशन इसे बोल सकते हैं, किसी कंपनी का अकाउंट्स डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट कई बार अलग अलग बिठाना पड़ता है, दोनों में डिस्टेंस होना चाहिए। ये इस ऑफिस का एग्जीक्यूटिव कैबिन है, मैनेजर कैबिन आप इसको कह सकते हैं, और जैसे मैंने बताया यहाँ पे स्प्लिट AC अभी एक लग जाएगा आपको। ये एग्जीक्यूटिव चेयर्स, 2 वेटिंग चेयर्स इसमें है, स्टोरेज वगैरह नीचे बाकायदा बनी हुई है। आइए अब मैं आपको इस ऑफिस का MD कैबिन दिखाता हूँ। कई बार जो टेनेंट्स होते हैं, आप अगर ऑफिस देख रहे हैं, उसमें रिक्वायरमेंट कई बार ऐसी होती है कि बजट कम है पर ऑफिस लेविश चाहिए, काम कुछ इस तरीके का है। तो फ्रेंड्स, ये इस ऑफिस का MD कैबिन है, आप देख रहे हैं स्प्लिट लगा हुआ है, सामने बहुत ही अच्छा वुडन स्टोरेज का काम किया हुआ है। ये आपकी टेबल है, टेबल के नीचे भी स्टोरेज है, और यहाँ पे 5-6 लोगों की आसानी से बैठ के एक मीटिंग हो सकती है। MD कैबिन के बिल्कुल बराबर में आपका ये मीटिंग रूम है। एग्जैक्टली इसको कॉन्फ्रेंस रूम नहीं बोल सकते क्योंकि साइज़ थोड़ा छोटा है, बट स्टिल 5-6 लोग बैठ के यहाँ पे ईजिली मीटिंग कर सकते हैं, या लंच रूम की तरह यूज़ कर सकते हैं इसे। तो एक एक्स्ट्रा रूम इन्होंने दिया हुआ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं आपके ऑफिस स्पेस के अकॉर्डिंग। कमर्शियल्स की बात कर लेते हैं हम। अगर आपकी टीम बड़ी है, 25-30 लोगों की टीम है, और बजट आपका कम है, आप कुछ नोएडा एक्सप्रेसवे पे ऑफिस स्पेस का कैंपस देख रहे हैं, तो आंसल कॉर्पोरेट पार्क आपके लिए परफेक्ट कैंपस है। जैसे मैंने पहले भी बताया वीडियो में, सेंट्रलाइज AC नहीं है, यहाँ पे यूनिट के अंदर स्प्लिट AC लगे हुए हैं, या आपको खुद लगाने होंगे, एंड मेंटेनेंस इस कैंपस की सिर्फ 7 रुपये पर स्क्वायर फिट है, तो AC का बिल आपको अलग से इलेक्ट्रिसिटी में ही पे करना है। तो मंथली अगर मैं राउंड एक्सपेंस रेंटल की बात करूँ, 1 लाख रुपये मंथली में ये ऑफिस आपको मिल जाएगा, 30-35 लोगों के बैठने के लिए ऑफिस एकदम परफेक्ट। इस तरह का ऑफिस अगर आप परचेज करना चाहते हैं प्लग एंड प्ले, तो ये ऑफिस आपको पड़ेगा अराउंड 8000 से 8200 रुपये पर स्क्वायर फिट,
ये भी एक क्लीन प्रॉपर्टी है, इसमें तुरंत रजिस्ट्री हो रही है पेमेंट करते ही, और किसी भी बैंक से इसमें लोन अवेलेबल है। सो अगर आप फुली फर्निश्ड प्लग इन प्ले ऑफिस परचेज करना चाहते हैं तो 8,000 से 8,200 रुपये, अगर रॉ परचेज करेंगे तो अराउंड 7,000 रुपये पर स्क्वायर फीट की कॉस्टिंग है। मिनट आप रजिस्ट्री कराइए और अपनी प्रॉपर्टी में आप मूव कर सकते हैं, या उसे परचेज करके आप इसे रेंट आउट कर सकते हैं। आपकी परचेज की रिक्वायरमेंट हो या लीज की रिक्वायरमेंट हो, एक सस्ते ऑफिस या महंगे ऑफिस की, इनफैक्ट नोएडा एक्सप्रेस वे में किसी भी तरह का आप ऑफिस स्पेस देख रहे हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।